फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आपका आज हमारी नई वीडियो के अंदर। जैसे ही आपको पता है कि हम आपके लिए हर बार एक मोटिवेशन लेके आते हैं, मोटिवेशन इन द सेंस कि आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लेके आते हैं। अगर आज हम आज के प्रोडक्ट की बात करें, वो होता है हेयर स्प्रे और एक होता है हीट प्रोटेक्शन। में डिफरेंस क्या है इन दोनों में, इनके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हमें हेयर प्रोटेक्टर क्यों यूज़ करना चाहिए, हीट प्रोटेक्टर क्यों यूज़ करना चाहिए, और हेयर स्प्रे क्यों यूज़ करना चाहिए, और हेयर स्प्रे किस काम आता है और हीट प्रोटेक्टर किस काम आता है। मतलब दोनों की कैटेगरी बिल्कुल डिफरेंट है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता। कभी कभी हम ये तो सोचते हैं कि हमारे हेयर्स प्रेसिंग करने के, मतलब एक आयरन करने के बाद डैमेज होते हैं, कर्लिंग करने के बाद डैमेज होते हैं, बट उनको प्रोटेक्शन के लिए हमें समझ नहीं आता उसके लिए हम बेसिकली यूज़ क्या करते हैं। उसके लिए हम बेसिकली शैम्पू और कंडीशनर के ऊपर फोकस करते हैं, बल्कि फोकस हमें दूसरे प्रोडक्ट पे करना चाहिए। वो हमें समझ नहीं आता या हमें कोई गाइडेंस नहीं करता। अगर हम उस गाइडेंस की बात करें तो आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हम फर्स्ट प्रोडक्ट की बात करें, वो आता है हमारा हेयर स्प्रे। अगर हम बात करें हेयर स्प्रेज की, हेयर स्प्रे के अंदर बहुत सारे ब्रांड आते हैं हेयर्स के ऊपर। अगर हम हेयर स्प्रे की बात करें, हमें करना चाहिए बेसिकली यूज़ शॉस्कॉफ कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा हार्ड भी होता है और सबसे बड़ी बात, हेयर्स को टाइट ही नहीं करता। मतलब एक स्मूथ टच भी देके रखता है और हेयर्स को होल्ड भी करता है, जो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है। अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें, 100% हमें बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट देता है। और सबसे बड़ी बात है, हेयर्स को डैमेज नहीं करता, बल्कि स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करता है और हाइड्रेशन भी करता है और मॉइस्चर को मेंटेन रखता है, हेयर्स को ड्राई नहीं करता बिल्कुल भी। अगर क्वालिटी की बात करें, बहुत बेस्ट क्वालिटी है। अगर हम स्टे की बात करें, अप टू 36 आवर्स का स्टे है इसका। मतलब अगर आप हेयर्स को वॉश नहीं करोगे तो बहुत फाइन रिजल्ट्स आपको देगा। और सबसे बड़ी बात है, 100% एक ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स भी है इसके अंदर, क्योंकि टाफ्ट एक सिंगल स्प्रे ऐसा है जो हेयर्स के होल्ड के साथ साथ हमें क्वालिटी भी प्रोवाइड कराता है। अदरवाइज हेयर स्प्रे के अंदर बेसिकली आते हैं बहुत ज़्यादा डैमेज हेयर्स वाले स्प्रेज, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत ही इकोनॉमिकल के साथ साथ बहुत गंदे इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं। तो इसलिए हमें टाफ्ट का हेयर स्प्रे करना चाहिए अगर हम बेसिकली बेस्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर हम गर्ल्स हेयर स्टाइल करानी है या बॉयज़, अगर हम टाफ्ट का करें, बेशक इतने हार्ड हेयर्स नहीं होंगे, बट हेयर्स के अंदर मॉइस्चर भी मेंटेन रहेगा, ड्राई हेयर्स नहीं होंगे और सबसे बड़ी बात है, फ्रीजी हेयर्स नहीं होंगे, जो बहुत ही बेस्ट है। टाफ्ट कंपनी का आप यूज़ कर सकते हो। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें, हमें मिलता है 395 रुपीज़ का। थोड़ा एक्सपेंसिव है अगर हम अदर स्प्रे से कंपैरिजन करें, बट बहुत बेस्ट है। अगर हम हेयर स्प्रे की वर्किंग बताइए, बेसिकली हेयर सेटिंग मतलब हेयर सेटिंग्स के लिए यूज़ होता है या फिर हेयर स्टाइल्स के लिए यूज़ होता है, जैसे हम जूड़ा कराते हैं या कर्लिंग कराते हैं, फ्लैट आयरन। अगर हम बात करें इन दोनों में कंपैरिजन, क्योंकि आज की डेट में मार्केट के अंदर दो स्प्रे सबसे ज़्यादा चलते हैं, या तो एंजो चलता है या टाफ्ट चलता है। अगर हम एंजो की बात करें, एंजो इकोनॉमिकल और सस्ते की वजह से बिकता है, बट क्वालिटी में हम इसको टाफ्ट के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि टाफ्ट एक बहुत सुपीरियर क्वालिटी का है। इसलिए आप यूज़ कर सकते हो टाफ्ट का भी। अगर आपको लगता है इकोनॉमिकल प्राइस में चाहिए तो आप इकोनॉमिकल में ले सकते हो, बट इसको रेगुलर यूज़ ना करें, क्योंकि ये थोड़ा हेयर्स को ड्राई करता है और डैमेज भी करता है, क्योंकि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा लाइट इंग्रेडिएंट्स हैं। मतलब लाइट इन द सेंस है कि मतलब एक आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स हैं जो हेयर्स को डैमेज करते हैं और सबसे बड़े हेयर्स को ड्राई भी करते हैं। इसलिए अगर आप इसको कम यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है, अकॉर्डिंग टू माई चॉइस। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें, हमें 100 रुपीज़ तक का मिल जाता है, वो भी नेक केयर ब्रांड का। नेक केयर इसके अंदर बहुत अच्छा ब्रांड है। नेक केयर एक इस हेयर स्प्रे के अंदर, एंजो हेयर स्प्रे के अंदर बहुत अच्छा ब्रांड है। इसके अंदर बहुत सारे ब्रांड आते हैं, बट नेक केयर आप देख के लो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें, नेक केयर की फिर भी अच्छी क्वालिटी है अदर एंजो हेयर स्प्रे से, क्योंकि एंजो के अंदर बहुत सारे नाम आते हैं। सिर्फ हेयर स्प्रे का वर्क होता है हमारे हेयर्स को सेटिंग का। अगर हम बात करें अपने हीट प्रोटेक्टर की, कि हीट प्रोटेक्टर होता क्या है और हमारा हीट प्रोटेक्टर किस वर्क में हमें यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए और कहाँ पे यूज़ होता है, उसका हमें समझना चाहिए बेसिकली। अगर हम हीट प्रोटेक्टर की बात करें, हीट प्रोटेक्टर हमारा बेसिकली यूज़ होता है स्प्रे करने से पहले। मतलब हेयर्स के ऊपर एक ऐसी लेयर बना देता है कि जिससे हमारे हेयर्स ड्राई नहीं होते, डैमेज नहीं होते और सबसे बड़ी बात, फ्रीजी नहीं होते, जो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें, 450 डिग्री सेल्सियस तक हेयर्स को हीट से प्रोटेक्ट करता है और सबसे बड़ी बात है, डैमेज को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। मतलब हेयर्स को बिल्कुल डैमेज नहीं होने देता है। आप शैम्पू अपना जो यूज़ कर रहे हैं वही यूज़ कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं, आप बेशक दिन के अंदर आप 3 बार आयरन करो, डजंट मैटर, क्योंकि एक लेयर बन जाती है आपके हेयर्स के ऊपर और हेयर्स की प्रोटेक्शन होती है हीट से, क्योंकि हीट के बाद हेयर का मॉइस्चर गायब हो जाता है। हीट प्रोटेक्शन, वो जो हीट प्रोटेक्टर होता है वो बिल्कुल डैमेज होने नहीं देता और सबसे बड़ी बात, मेंटेन रखता है मॉइस्चर को। अगर हमारे हेयर्स का मॉइस्चर रहता है तो हेयर सिल्की भी रहेंगे, सॉफ्ट भी रहेंगे और स्मूथ भी रहेंगे, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर हम क्वालिटी की बात करें, बेस्ट क्वालिटी में मिलता है। अगर हम अपने टॉप टू हीट प्रोटेक्टर की बात करें, एक आता है शॉस्कॉफ का ओसिस प्लस और सेकेंड आता है ट्रेस्मे का ओसिस प्लस हेयर स्प्रे की, जो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है। अगर हम बात करें ओसिस प्लस की,
Oshish Plus का हीट प्रोटेक्टर बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का आता है, जो हमें रिजल्ट्स के साथ साथ हेयर मॉइस्चर भी मेंटेन करता है, और सबसे बड़ी बात है बहुत बेस्ट रिजल्ट्स देता है। हेयर्स के ऊपर एक प्रॉपर कोटिंग कर देता है, जिसकी वजह से हेयर डैमेज होने का कोई चांस ही नहीं है। अगर हम रेगुलर भी या इरेगुलर किसी भी तरह से यूज कर रहे हैं, तो कोशिश करो कि हमें हीट प्रोटेक्टर यूज करना जरूरी है। चाहे हम किसी सैलून से करा रहे हो, तो कोशिश रखना कि हेयर स्प्रे हीट प्रोटेक्टर आप यूज कराओ, ताकि आपके हेयर पे लेयर बन जाए। उसकी वजह से आपके हेयर्स भी सॉफ्ट रहेंगे, स्मूथ स्ट्रेट करने के बाद आपके हेयर्स फ्रीजी हो जाते हैं, मतलब हल्के हो जाते हैं बहुत, और नीचे से उड़ने भी लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसको करने के बाद एक मॉइस्चर भी रहेगा, स्ट्रेट जो आप कराओगे, हेयर स्टाइल जो भी कराओगे बहुत बेस्ट होगा। अगर हम बात करें ट्रेस्मे की, ट्रेस्मे का भी बहुत बेस्ट है। सबसे बड़ी बात है 5-in-1 है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। सबसे बड़ी बात है 5-in-1 के अंदर स्मूथ रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है, हेल्थी बनाता है हेयर्स को, और मॉइस्चर को मेंटेन रखता है, और हेयर फॉल कंट्रोल के ऊपर जीरो इंप्योरिटी रखता है। बेस्ट क्वालिटी के आप यूज कर सकते हो इसको भी। अगर हम इन दोनों की प्राइस डिफरेंस की बात करें, अप्रोक्सीमेट 200 ml में आते हैं, 250 ml के अंदर आते हैं। अगर हम Oshish Plus मतलब शॉस्कॉफ का मिलता है हमें 875 rupees में। अगर हम ट्रेस्मे की बात करें, हमें ट्रेस्मे मिलता है 799 में। दोनों ही बहुत बेस्ट क्वालिटी के, हमें दोनों यूज करने चाहिए, मतलब दोनों में से कोई भी यूज करना चाहिए जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अगर हम बात करें, दोनों के दोनों एक प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स हैं, और सबसे बड़ी बात है ट्रस्टेड ब्रांड है। ट्रेस्मे एक बहुत ज्यादा ट्रस्टेड ब्रांड बन चुका है काफी टाइम से, क्योंकि ट्रेस्मे एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एक यूनिलीवर का ब्रांड है, और शॉस्कॉफ तो एक हेयर्स के लिए जाना ही जाता है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, आपको 100% बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑप्सो उम्मीद करूंगा कि आपको इन दोनों के बारे में डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर हम डिफरेंस की बात करें, दोनों के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दोनों में बहुत ज्यादा गैप है, क्वालिटी में, प्राइस में भी, हर चीज के अंदर। सबसे बड़ी बात है प्रोटेक्शन में भी। हेयर स्प्रे का काम सेटिंग है, और इसका काम प्रोटेक्शन है, मतलब दोनों का एक डिफरेंस पार्टीशन है, और दोनों को हमें यूज करना चाहिए रेगुलरली, जब भी हम हीट का वर्क करें हेयर्स के ऊपर, तो आपको हमेशा यूज करना चाहिए। आपके हेयर्स के ऊपर मॉइस्चर भी मेंटेन करेगा। उम्मीद करता हूँ कि दोनों के बारे में डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर आपका कोई क्वेरीज रहती है, तो आप इनबॉक्स में अपना कमेंट शेयर कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत जल्दी उसका फीडबैक मिलेगा, और आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों के बारे में पता चल गया होगा, और आप इसको शेयर भी करोगे। आप जितना इसको शेयर करोगे, उतनी अवेयरनेस बढ़ेगी। अगर हमारे हेयर्स डैमेज होते हैं, हेयर फॉल होते हैं, वो सबसे कारण ये भी है, क्योंकि स्ट्रेटनिंग का फैशन है तो हर कोई करता है, तो उसकी वजह से हेयर फॉल का ऑप्शन ज्यादा बढ़ गया है। तो आप इसको जितना शेयर करोगे, आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि उतना प्योरिटी में हमारा प्रोडक्ट भी आता है, और एक पता भी चलता है कि हमें करना क्या है हेयर्स के लिए। तो आप यूज करके ट्राई कर सकते हो। अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना अच्छा लगता है, हमारे चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। शेयर करना ना भूले, शेयर करने से एक शेयर से आपके किसी के हेयर्स डैमेज होने से बच भी सकते हैं। तो आप यूज करके ट्राई कर सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।